हेलो फ्रेंड नमस्कार। आज हूँ मे 27 तारीख सोमवार। सबुदिन परी आज भी नहीं आसी देश तथा विदेश 15 गुरुत्वपूर्ण खबर। योजना निजुक्ति सुना एवं पेट्रोल दर ता सहित अनेक खबर रही आसतु जाणी 10 मिनिट मध्य। पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। जदि आपण आम चैनल को नुआ आसी तेज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन रे प्रेस कर रखत। तेज चलत आउ डेरी करवा ना आज खबर टी आरंभ करने। 5 वर्ष भितर देश में लागू हेब UCC एकक निर्वाचन को नहीं गृहमंत्री शाह बड़ बयान। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह समान नागरिक संहिता बा यूनिफर्म सिविल कोड को नहीं दे बड़ बयान। से कहते बीजेपी क्षमत आसवा पर सबु पक्ष सहित व्यापक विचार विमर्श पर आगामी 5 वर्ष भितर पूरा देश UCC लागू हो। PTI को देखा एक इंटरव्यू में शाह कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आगामी कार्यकाल एक राष्ट्र एकक निर्वाचन लागू कारण देश में एकक निर्वाचन कर समय आसी जा। बीजेपी वरिष्ठ नेता कहते एकक निर्वाचन कले निर्वाचन खर्च कम आसब। परवर्त खबर मैट्रिक्रे पुणी झीं कमाल पचर पड़े पुओ प्रकाश पाई चलित बर्षर मैट्रिक रिजल्ट। एथर पास हार रही 96.07% जहाँकि गत बर्षर पास हार ठार सामान्य कम। तबे पुओं तुलन में आगे रही झी कौन गोटे भी स्कूल जीरो रिजल्ट होनी। फल प्रकाश सह आज ही ऑनलाइन रे सर्टिफिकेट मिलू। आसंता 29 तारीख ही रिचेकिंग आवेदन करहब। तबे चलित बर्ष बोर्ड इतिहास में प्रथम थर पर रिजल्ट पुस्तिका उन्मोचन हो नाला किंबा बोर्ड पक्ष प्रेसमिट कर कृति छात्र छात्री मुहरें मैट्रिक सफलतार खुशी। सफलता आसवा पर किए स्कूल परिसर रे तो आउ किए परिवार भितरे बांटुछंती खुशीर अभुला मुहूर्त। परवर्ती खबर निज बीमा कंपनी को बंद कर पेटीएम इडारू फेराई नेले आप्लिकेसन। फिनटेक फ्रम पेटीएम निज बीमा कंपनी करिवार स्वप्न को शेष करिछि। एथिसह पेटीएम रेगुलेटर इन्स्योरेन्स लिमिटेड समाप्त होइछि। पेटीएम इन्स्योरेन्स सेक्टर रेगुलेटर इडा को देखा आप्लिकेसन को पुनश्च फेर नहीं। वर्तमान कंपनी इन्स्योरेन्स प्रडक्ट तैयारी करार कारण केवल डिस्ट्रीब्यूशन उपरे काम कर। नोएडा स्थित पेटीएम कही वर्तमान यह प्राइवेट बीमा कंपनी पेटीएम जनरल इन्स्योरेन्स चलो ना यह विषय आम इडारू सूचना देछु। पेटीएम पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन सब्सिडियरी पेटीएम जनरल इन्स्योरेन्स वर्तमान इन्स्योरेन्स डिस्ट्रीब्यूशन उपरे फोकस करिवो। एक काम पेटीएम इन्स्योरेन्स ब्रेकिंग प्राइवेट लिमिटेड जरिया करा जिवो से इन्स्योरेन्स प्रोडक्ट मार्केट रे आनिबारो इच्छा को त्याग करिछि। परवर्ती खबर 2500 टंका सस्ता है सुना मतदान मध्य जनसाधारण को मिलला खुशी खबर। देश में षष्ठ पर्याय और राज्य में तृतीय पर्याय मतदान समाप्त होइछे। आगक आउ गोटे पर्याय मतदान ग्रहण करा जिवो। तबे देश में गोटे पटे विभिन्न पर्याय मतदान प्रक्रिया जारी रही बेले अन्य पटे आसी एक खुशी खबर। सुना दर में ह्रास ग्राहकों को दे एक बड़ आश्वस्ति। चलित सप्ताह में सुना दर 2500 टंका ह्रास घटी फल जनसाधारण निज निजर संतान विवाह पाई और निवेश उद्देश्य सुना क्रय करें। देखा गले गत गुरुवार दिन सुना दर 1050 टंका ह्रास घटी बेले बुधवार दिन 50 टंका ह्रास घटी से हीपरी शुक्रवार दिन रूपा दर 500 टंका ह्रास पाई। चलित सप्ताह में सुना दर पखापाखि 2500 टंका ह्रास घटी सूचना आसी। परवर्ती खबर भीषण बात्यार रूप नेला रेमाल। ओडिशा उपरे पड़बनि प्रभाव। ओडिशा उपरे पड़बनि बात्या रेमाल प्रभाव। यह प्रभाव में उत्तर ओडिशा बालेश्वर भद्रक जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक और मयूरभंज में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। आज दक्षिण ओडिशा रे पारद बढ़िबो सह हीट वेव रहिबार मध्य संभावना रही। राज्य में 27 रु 31 तारीख पर्यंत पूर्णी ताती अनुभूत हेबो। एने सुआसीसो मुख्य शरद चंद्र साहू सूचना देछंती। परवर्ती खबर जो नेक रु बदलिबो एही सब नियम डेरी न करी शीघ्र सारी दियंतु समस्त काम। आपण माने तो जानिथिबे मे मास शेष हेबाकु जाउछि एवं जून मास किछि दिन मधरे आरंभ हेबाकु जाउछि। तबे अनेक आर्थिक नियम प्रत्येक मासर आरंभ रे परिवर्तन होइथाए। यासह जून मास रे मध्य अनेक आर्थिक नियम परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एथिसह आसंता मास रे हेबाकु थिबा परिवर्तन विषय रे जानिबा मध्य बहुत जरूरी।
तबे आसंता मासरु एलपीजी सिलेंडर मूल्य बैंक चोटी आधार कार्ड अपडेट बोली अनेक नियम परिवर्तन हेबाकु जाउछे। ताले आसंतु आज आम आपणमानंकु जणाई देबु जे जून मास 1 तारिखरु केउ सबु नियम परिवर्तन हेबाकु जाउछे। तबे प्रथमे रहिछि आधार कार्ड अपडेट। तबे आधार कार्ड अपडेट को नहीं किछि बड़ परिवर्तन हेउछि। UIDAI वर्तमान मागणा आधार अपडेट पई जून 14 को बढ़ी जाइछि। अवश्य ऑफलाइन अपडेट पई अर्थात आधार केन्द्र को जिबा पई अपडेट पिछा 50 टंका देबाकु पड़िबो। ता सहित एलपीजी सिलेंडर मे मासरे ए कंपनी गुडीको व्यावसायिक सिलेंडर रो मूल्य कम करिछंती। घरोई सिलेंडर एवं कमर्शियल सिलेंडर मूल्य जून 1 रे अपडेट हेबाकु जाउछि। ता सहित जून मासरे बैंक गुडीको छुट्टी। तबे जून मासरु बैंक गुडीको 10 दिन बंद रहिबो। एथिरे रविवार द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार मध्य छुट्टी रहिबो। या व्यतीत रज संक्रांति एवं ईतल अदा भली छुट्टी दिन जोगु जून मासरे बैंक बंद रहिबो। सेति पई आपण माने निजर बैंक काम शीघ्र सारी दियंतु। ता सहित ट्राफिक नियम रे परिवर्तन। जून मासरु ट्राफिक नियम रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तबे जून थारु नुआ ड्राइविंग लाइसेंस नियम तयारी होईछि। नुआ नियम अनुसार जदि जने व्यक्ति बहुत बेगरे गाड़ी चलांती तबे तांकु 1000 रु 2000 टंका पर्यंत जरिमाना देबाकु पड़ी पारे। एहा सह बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलाइबा पई 500 टंका जरिमाना देबाकु पड़िबो। जदि केहि हेलमेट किंबा सीट बेल्ट बिना गाड़ी चलांती तबे तांकु 100 टंका जरिमाना देबाकु पड़िबो। ता सहित गाड़ी चलाइबा समय रे सामान्य सीमा अतिक्रम करिबा पई दंड रहिछे। जने नाबालक अर्थात 18 वर्षरु कम नाबालक एक गाड़ी चलाई थाए तबे तांकु जरिमाना देबाकु पड़िबो। जदि नाबालक गाड़ी चलाउथिबार धरा पड़े तबे तांकु 25000 टंका जरिमाना देबाकु पड़िबो। या व्यतीत नाबालक 25 वर्ष वयस पर्यंत लाइसेंस पाई पारिबो नाही। ता सहित अमेज़न रिवार्ड पॉइंट जून मासरे क्रेडिट कार्ड सहित जड़ित नियम मध्य परिवर्तन हेबो। एपरी परिस्थिति रे जदि आपणकर अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड अछि तबे जून सहित एहा सह जड़ित नियम परिवर्तन हेउछि। एही कार्ड रो नियम जून 18 रु परिवर्तन हेबो। वर्तमान पर्यंत एही कार्ड माध्यम रे भड़ा देय उपरे उपलब्ध 1% रिवार्ड पॉइंट जून 14 रु बंद होई जेबो बोली सूचना आसीछि। परवर्ती खबर। दिल्ली एयरपोर्ट रे विमान रो जरूरी अवतरण आकाश मझिरे थरिला इंजिन। दिल्ली रु उड़ान भरिबा आरंभ करितबा स्पाइसजेट विमान रो जरूरी अवतरण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे उड़ान भरिबार किछि समय परे विमान खराब होई जाइतला। एहा परे विमान को लैंडिंग करबा को पड़ितला। यहार इंजन रे खराब थिबा कहा जाय अछि। स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट रविवार सकाले लेह अभिमुखे उड़ान भरितला किंतु किछि समय परे ए विमान पुणी थरे दिल्ली विमान बंद को फेरी आसीछि। न्यूज एजेंसी PTI रो सूत्र रु कहा जाय छि जे ए विमान रे प्राय 135 यात्री थिले। विमान को सफलतार सह दिल्ली एयरपोर्ट रे लैंड करा जाइतला। परवर्ती खबर। पुणी ओडिशा आसुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 रे प्रधानमंत्री दिनिकिया गस्त रे आसुछंती। सेही दिन प्रधानमंत्री तीनटी जनसभा रे जोग देई लोकंकु संबोधित करिवे। बालेश्वर बारीपदा और केन्द्रापड़ा निर्वाचनी सभा रे जोग देबे। प्रथमे बारीपदा छौ पड़िया रे मध्यान 12टा बेले विशाल जनसभा रे उद्बोधन देबे। परे बालेश्वर रे सभा करिवे एवं अपराह 3:30 रे केन्द्रापड़ा रे जनसभा करिवे प्रधानमंत्री। बीजेपी राज्य उपसभापति गोलक महापात्र ए संपर्क रे सूचना देइछंती। परवर्ती खबर। युवकों सामग्रिक विकास को मुख्यमंत्री प्राधान्य। युव पीढ़ी विकास पर 1 लाख कोटी स्वतंत्र बजेट। बीजेडी निर्वाचनी इस्ताहार गत 9 तारीख में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रकाश करते सेतिरे प्रकाश पाई नवीनों 24 ग्यारंटी। प्रथम ग्यारंटी रही युव ओडिशा नवीन ओडिशा। निर्वाचन पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक युव समाज पर 1 स्वतंत्र बजेट संपर्क घोषणा कर। मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार युवपीढ़ी विकास पर आसंता 10 वर्ष 1 लाख कोटी बजेट प्रस्तुत करुववर्ग विकास बजेट्रे एपरी स्वतंत्र गुरुत्व देवा समग्र देश में प्रथम। यह युव सहायन बजेट एवं जेंडर बजेट विधानसभा उपस्थापित होब। युववर्ग मानक द्वारा दि जा परामर्श को आधार कर प्रत वर्ष ए1000 कोटी टंका खर्च होब। परवर्ती खबर। पुणी इस्राएल उपरे हमासर बड़ हमला। तेल अभिव उपरे कला मिसाइल माड़। हमास पुणी थरे तेल अभिव उपरे बड़ मिसाइल हमला करिछे।
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଧାନୀ ତେଲ ଅଭିବ୍ରେ ଇୟର୍ ସାଇରନ୍ ବାଜିଛି, ଯାହା କୌଣସି ହମଲାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଇୟର୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ଚାଲୁଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାର ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜୁନ୍ 1, 2024 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପରି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରମା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯାହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମୟରେ ଏକ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପରି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏକୁ କେବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏକୁ 4% ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା 54%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ ବେତନରେ ବମ୍ଫର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ 50% ଡିଏର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଡିଏ 50%ରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏହାକୁ ଶୂନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରିସାରିଲୁଣି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ 80-85% ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଭଳି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜେଡି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା SSB, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜୁନ୍ 19 ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ପଦର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଏହି 5ଟି ଜୋନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। 12 ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ତାହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଟା ବ୍ୟବହାରରେ ଭାରତ ଆଗରେ। 2029 ସୁଦ୍ଧା 5G ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା 86 କୋଟି ଛୁଇଁବ। ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 2023 ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 130 ୟୁନିଟ୍ ରହିଥିଲା। 2029 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 860 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ 86 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଦେଶରେ ଟେଲିକମ୍ ବଜାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କ 25% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହାରାହାରି 208-286 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 2023-2027 ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 7-7.5% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6,000 ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଶି 3 କିସ୍ତିରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 16 କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ କିଛି କୃଷକ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଘଚଉ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। କୃଷକକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଏ 16 କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇସାରିଛନ୍ତି କୃଷକ। ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ସମ୍ମାନନିଧିର ଲାଭାର୍ଥୀ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି ଟଙ୍କା। ତେବେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର।
परवर्ती खबर ह्वाट्सअप यूजर्स को एलन मस्क बड़ वार्निंग कहले आपणकर डाटा लीक हो ह्वाट्सअप मेसेजिंग आप पुणी थे चर्चा को आसी एथर एलन मस्क विश्वर सबुठ लोकप्रिय मेसेजिंग आप उपर गंभीर अभियोग लगे यापर यूजर्स को निज डाटा को नहीं चिंता करी एलन मक्स अभियोग आनी कि ह्वाट्सअप प्रतिदिन रातिर यूजर्स डाटा ट्रांसफर करुच्छे एक्स प्लाटफर्म जड़े यूजर्स जी ट्विटर पूर्वतन कर्मचारी थिले से विषय पोस्ट करी पोस्ट 12 घंटार न्यूज रिकैप करथिबा बेले 9 नंबर न्यूज रे लेखा जाइछि कि ह्वाट्सअप रातिर यूजर्स डाटा ट्रांसफर करुच्छे ए डाटा ऑनलाइन कराजिबा सह विज्ञापन लागि यहार व्यवहार करा जाउछि एठरे यूजर्स को ग्राहक नुहे सामग्री परी व्यवहार करा जाउछि तबे दर्शक बंधु या थिला आज दिन केतोटी बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर जदि आपण मानक आम भिडी भल लगी तेज आपण मानक तरफ वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु जो मैंने आम चैनल को नुआ आसी से माने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन रे प्रेस कर रखु जहाद्वारा प्रत्येक दिन बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमें पाई पारिबे।